السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے جس کا کوئی شریک جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں. بے شمار درود و سلام نازل ہوں نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے پیارے صحابہ اور پیارے اہل بیت پر. محترم حضرات، ایک آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے جو سورہ شورا پارے 25 کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بڑے اہتمام سے فرما رہے ہیں کہ ایک وصیت ایک نصیحت ہم نے کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو بھی، ان کے بعد آنے والے اور بھی جتنے بڑے بڑے انبیاء ہیں ان کو بھی، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان انبیاء کے اللہ نے نام لیے اور فرمایا کہ ہم نے ان انبیاء کرام کو ایک نصیحت کی تھی، وہی تمہیں بھی کر رہے ہیں. شرع لکم، تمہیں بھی ہم وہ نصیحت پیش کر رہے ہیں. وہ نصیحت یہ تھی اور یہ ہے تم کو بھی، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، تھامے رہنا، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرنا. یہ ایک نصیحت، الفاظ بہت مختصر ہیں لیکن یہ نصیحت پوری زندگی چاہتی ہے کہ اس پر عمل پوری زندگی میں ہو. ایک دین اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہیں، متحد ہو کر، متفق ہو کر، اور آپسی کسی بھی اختلاف سے، فرقہ بندی سے، انتشار سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. کسی بھی زمانے میں کسی بھی قوم کی کامیابی کے لیے ہزاروں نصیحتوں پر یہ ایک نصیحت بھاری اور کافی ہے. باطل قوم بھی اگر ہے، اگر وہ متحد ہے، اس کا پھل وہ دنیا میں کھاتی ہے، پاتی ہے،
वो कामयाब होती है दुनिया में, वो बारोब होती है। बरहक कौम होने के बावजूद भी अगर आपस में लड़ते हैं, इख्तिलाफ़ करते हैं, इंतशार करते हैं, उसकी सज़ा दुनिया ही में भुगतते हैं, जलील होते हैं, ख़ार होते हैं, बातिल के मुकाबले में मग़लूब होते हैं। तो एक नसीहत जो अल्लाह ने हवाला दिया कि इस नसीहत को मामूली मत समझना, हमने तुमसे पहले बड़े बड़े जलीलुल क़द्र अंबिया को ये नसीहत की थी, तुम्हें भी कर रहे हैं ऐ उम्मते मुहम्मदिया के लोगों। दीन को मजबूती से थामे रहना, आपस में तफर्रुकाबाजी न करना। उम्मते मुहम्मदिया का इस वक्त पूरी दुनिया में, चाहे आलमी सतह पर हो या मुल्की सतह पर हो, यही रोना है कि इसके पास कुरान है, हदीस है, जिसमें हर नुस्खा है कामयाबी का, लेकिन उसके बावजूद ये कौम मुत्तहिद होने के लिए तैयार नहीं है, मुत्तफिक होने के लिए तैयार नहीं है। ये इस कौम का रोना है, और इसका अजाब, इसके नतीजे में मिलने वाली जिल्लत और रुसवाई हर सुबह शाम देख रही है उम्मत। हर दिन की खबर, हर दिन का अखबार उम्मत मुस्लिमा की किसी न किसी खार और जिल्लत से भरा हुआ है। वजह आपसी इंतशार, आपसी इख्तिलाफ। और बड़ी अजीब बात यह है कि जब हम इख्तिलाफ देखते हैं हमारा अपना आपस का, कभी मुस्तहब को लेके इख्तिलाफ है, कहीं सुन्नत को लेके इख्तिलाफ है, कहीं अफजल या गैर अफजल को लेके इख्तिलाफ है, यानी जिसमें इख्तिलाफ की शान में गुस्ताखी है कि इन चीज़ों को लेकर इख्तिलाफ किया जा सकता है। और इख्तिलाफ ऐसा इतनी शिद्दत का कि जलसे होते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कुफ्र और मुनाफिकत के फतवे लगते हैं, ऐसा शदीद इख्तिलाफ उम्मत ने बना रखा है। और अपने अपने मसलकों के नाम अलग रख लिए, अपने अपने मसलकों की मस्जिदें अलग बना ली, मदरसे अलग बना लिए, जलसे अलग अलग करते हैं। यूँ लगता है जैसे कोई हक व बातिल है, जैसे किसी नमरूद के मुकाबले में कोई इब्राहिम है, किसी फिरौन के मुकाबले में कोई मूसा है। ऐसा इख्तलाफ बरपा करके उम्मत मुस्लिमा अपने महलों और गली कूचों में बैठी हुई है। तो क्यों नहीं बातिल गुर्राएगा, क्यों नहीं कुफार हम पर गालिब रहेंगे, क्यों नहीं होगा? ये यकीनन होगा, ये सज़ा तो भुगतनी है दुनिया में, अगर हमने अपनी रविश न बदलने की कसम खा रखी है। एक मिसाल बुखारी शरीफ की रिवायत, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जो इख्तलाफात में इस वक्त पड़े हुए हैं वो कितना फजूल है, और कितना हम ज़ाय कर रहे हैं अपनी सलाहियतों को, और अल्लाह के पास कितना हमें जवाब देना पड़ेगा। वाकया हुआ था ग़ज़वा अहज़ाब, एक जंग हुई, हम सब जानते हैं जंग खंदक से मशहूर। वो जंग ख़त्म हो गई, सहाबा ने इत्मीनान की सांस ली, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुहर की नमाज पढ़ाई सहाबा को मस्जिद नबवी में, और नमाज जुहर के बाद आप पीछे मुड़े और आपने सहाबा से फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने कहा कि आपके सहाबा ने हथियार रख दिए, जंग की जिरहें उतार दीं, जबकि फरिश्तों ने ऐसा कुछ नहीं किया अभी। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने पूछा जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कि जंग तो ख़त्म हो गई, इसलिए सहाबा ने ऐसा किया, आखिर क्यों अभी जंग की जिरहें पहनी रखें, क्या वजह है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये यहूदियों का कबीला है, बनू कुरैज़ा, इसी की वजह से ये पूरी जंग खंदक हुई थी, इनकी बेवफाई बदअहदी की वजह से, और बदतरीन इन्होंने धोखा दिया था मुसलमानों को और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है कि अब इनकी तरफ चलें, इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए इनकी बदअहदी की, इसलिए इनका जो किला है बनू कुरैज़ा, इसका चल के मुहासरा किया जाए।
तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, अल्लाह के फरिश्ते तैयार हैं, तुम भी जल्द से जल्द तैयारी करो और इतनी जल्द करो, असर की नमाज चल के बनू कुरैज़ा में पढ़ना है। ला युसल्लियन अहदुकुमुल असर इल्ला फी बनी कुरैज़ा, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। अब सहाबा ने जल्दी जल्दी तैयारियाँ शुरू की, नतीजा ये हुआ कि अभी बनू कुरैज़ा नहीं पहुँचे, रास्ते में है, असर का वक्त ख़त्म होने के करीब है, यानी यकीन है कि बनू कुरैज़ा में पहुँचेंगे, असर का वक्त बाकी नहीं रहेगा, मगरिब का वक्त शुरू हो जाएगा। अब क्या किया जाए? अब सहाबा की राय अलग अलग, यहाँ हमें सबक सीखना है। एक सहाबा की जमात ये कह रही थी, हमें यहीं असर पढ़नी है क्योंकि अब बनू कुरैज़ा में पहुँचेंगे, वक्त बाकी नहीं रहेगा और क़ज़ा हो जाएगी हमारी नमाज, लिहाजा हम यहीं असर पढ़ लें। दूसरी जमात सहाबा की ये कह रही थी कि नहीं, जुमला देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ला युसल्लियन अहदुकुमुल असर इल्ला फी बनी कुरैज़ा, तुम में से कोई असर न पड़े कहीं, सिर्फ बनू कुरैज़ा में, लिहाजा अब वक्त रहे या ना रहे हमें नहीं मालूम, इस जुमले पे हमको अमल करना है। दूसरी जमात ने असर वहाँ नहीं पढ़ी, एक जमात असर पढ़ ली वहाँ पर, दूसरी जमात ने कहा नहीं हम वहाँ पढ़ेंगे, दूसरी जमात पहुँचकर बनू कुरैज़ा में मगरिब के वक्त में असर की कज़ा पड़ी है, क्या कहेंगे इस इख्तलाफ़ को? ये अफजल गैर अफजल का था? नहीं, फ़र्ज़ नमाज फर्जियत का इख्तलाफ, वो भी वक्त में पढ़ने नहीं पढ़ने का, कोई छोटा इख्तलाफ नहीं था। लेकिन वहाँ दोनों जमात में से किसी ने दूसरे को नहीं कहा तुमने गलत किया, क्योंकि दोनों की ख्वाहिश थी नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अमल, कोई किसी के खिलाफ फतवा नहीं लगाए, ना कुछ गलत नज़र से देखे, नहीं। पहुँच गए बनू कुरैज़ा में, वहाँ दूसरी जमात ने नमाज अदा की मगरिब की, बाद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, दोनों जमात के अफराद पहुँचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा ये हुआ, एक जमात की राय ये थी रास्ते में पढ़ ली जाए, उन्होंने पढ़ ली, एक जमात की राय ये थी नहीं हम बनू कुरैज़ा ही में पढ़ेंगे आपके लफ्ज़ के मुताबिक, लिहाजा एक जमात ने बनू कुरैज़ा में जाकर असर की नमाज़ पढ़ी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, वलम युअन्निफ अहदम, किसी को आपने गलत नहीं कहा, दोनों ने सही किया। अंदाज़ा लगाइए, नबी के हुक्म पर अमल करने की दोनों को जस्तजू थी, एक ने ऐसे अमल किया एक ने वैसे अमल किया, और अमल सिर्फ अफजल गैर अफजल मुस्तहब या सुन्नत का नहीं था, यह फर्जियत का था। उम्मत में इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा फर्जियत का इख्तलाफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नबी ने दोनों के अमल को कबूल कर लिया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आज हम अगर किसी सुन्नत किसी अफजल या किसी मुस्तहब को लेकर इख्तिलाफ कर रहे हैं तो हम जन्नत में जाएंगे, वो जहन्नम में जाएगा? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जब फर्जियत के इख्तिलाफ को कबूल कर लिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या इस इख्तिलाफ को नज़रअंदाज कर दिया, नकार दिया जाएगा, जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा? हो ही नहीं सकता। छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफात हैं, अफजल गैर अफजल को लेकर, बेहतर गैर बेहतर को लेकर, और फतवे लग रहे हैं, हम मोमिन वो मुनाफिक, हम मोमिन वो काफिर। ये पूरी उम्मत इस वक्त इसमें डूबी हुई है। सोशल मीडिया का दौर है, कुछ दाढ़ी कुब्बे वालों ने अल्लाह माफ़ करे ऐसा लगता है यही जिम्मेदारी दे ले रखी है सोशल मीडिया पर, ये आग जलाए रखना है हर हाल में। हर दिन कोई ना कोई किसी न किसी फ़िरके के ख़िलाफ़ कोई फितना परवर तकरीर, कोई फितना परवर फतवा, और उम्मत के नौजवानों का आलम यह है कि बस इसी आग में झलना है, इसी में भस्म होना है। एक दूसरे को कबूल करने तैयार नहीं उम्मत के ये मसालिक, उम्मत के ये लोग, ज़रा ज़रा सी बातों में इख्तिलाफ़। अल्लाह माफ़ करे, उम्मत का आलम इस वक्त ये है, मस्जिदों में जाते हैं लोग, पहले तहकीक मस्जिद किस मसलक की है, इमाम साहब कौन से मसलक के हैं, ज़रा सा उनको लगा के नहीं, वक्त है नमाज का, जमात खड़ी होने वाली है, उल्टे पांव निकले चप्पल पहन के। किसी एक मस्जिद की बात नहीं, बहुत सारी जगहों पे ये आलम है। किसने उनको बनाया इतना जला भुना? ये इन्हीं सोशल मीडिया पे बैठे हुए ये जला आग जलाने वाले मुकर्ररीन ने। अगर ये इतना ज़रूरी होता
तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फ़र्ज के मामले में आग बगोला हो जाना चाहिए था आपको गुस्से में कि तुमने ऐसा क्यों किया, एक ने असर ऐसे क्यों पड़ी, दूसरे ने वैसे क्यों पड़ी, मगर आपने कुछ नहीं कहा, आपने ये किया कि बस दोनों ने असर पड़ ली अल्हम्दुलिल्लाह और दोनों ने मेरी मुखालफत नहीं की। कब समझेंगे ये उम्मत के नौजवान और कब समझेगी ये उम्मत कि जिस चीज़ को हम लेकर लड़ रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, फजूल है और सख्त तरीन हिसाब होने वाला है कल अल्लाह के दरबार में। सूरह माईदा में अल्लाह ने फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम जो नसारा है, जो उर्दू में ईसाइयत से जानी जाती है, उसके बारे में कि उन्होंने बड़ी बदतमीज़ियाँ कं, बड़ी गुस्ताखियाँ कं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में। अल्लाह फरमा रहे हमने उनको सज़ा ये दी, वह अलकैना बैनहुम अलअदावत वलबग़ज़ा इला यौम अलक़ियामा, क़यामत तक के लिए हमने ईसाई कौम में इख्तलाफ़ और दुश्मनी डाल दी, क़यामत तक के लिए है ये। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा इस वक्त ईसाई कौम पूरी दुनिया में 70 फ़िरक़ों में बटी हुई है। बुनियादी तौर पे 3 फ़िरक़े हैं, 3 से अलग अलग शाखें निकली हैं और फिर ये कुल मिला के 70 होते हैं, किताबों में मौजूद हैं उनके नाम। और ये जो 3 फ़िरक़े हैं बुनियादी तौर पे अकीदे का इख्तलाफ है इन लोगों का, हर एक का दूसरे के ख़िलाफ़ काफिर का फतवा है, कुफ्र का। बताना ये है यहाँ पर इस वक्त उन्होंने अपने इख्तलाफ पे ऐसा पर्दा डाले रखा है, दूसरी कौमों को पता भी नहीं है कि ईसाई कौम में भी फ़िरक़े हैं। हम सोशल मीडिया खोलें सिर्फ मुसलमान ही नज़र आएंगे, एक दूसरे को गालियां देते हुए, एक दूसरे के मसलकों को बुरा भला कहते हुए, बड़ी बड़ी दलीलें, बड़े बड़े किताबें, न जाने क्यों ये सलाहियतें यहाँ लगा रहे हैं, क्या मिल रहा है इसमें नहीं मालूम। और कभी तो बता दो कहीं सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी, प्रिंट मीडिया है और इसी तरीके से ये ज़राए इब्लाग हैं, कहीं पर भी कोई ईसाई मजहबी रहनुमा किसी दूसरे मजहबी रहनुमा को गलत काफिर कहता हुआ नज़र आ रहा है, बता दो, जबकि 70 फ़िरक़ों में बटी हुई है वो कौम। सीखें उनसे, सीखना हमें अल्लाह और रसूल से है, लेकिन ये बात यूं ही कही जा रही है कि देखो कैसे उन्होंने पर्दा डाला अपने इख्तलाफ़ पर, इतना शदीद इख्तलाफ़, उसके बावजूद भी आज दुनिया में कोई कह नहीं सकता, अगर उसकी नज़र कुरान और हदीस पर ना हो तो कह नहीं सकता कि ये कौम भी आपस में लड़ रही है, ये कौम भी आपस में इतना जो है एक कुफ्र और मुनाफिकत के फतवे रखती है, सब है, लेकिन उन्होंने ढांक दिया है अपने तमाम तर इख्तलाफात को। बस ये जिम्मेदारी ली है उम्मत मुस्लिमा ने, अल्लाह माफ़ करे। हर सुबह हर शाम एक मसलक वाला दूसरे मसलक वाले के ख़िलाफ़, एक मजहबी जमात वाला दूसरी मजहबी जमात वाले के ख़िलाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी से बड़ी तकरीरें, सिर्फ़ और सिर्फ जो बड़े से बड़े फतवे, और सबका हासिल यही है कि हम ही जन्नती हैं बाकी सब जहन्नमी हैं, नऊज़ु बिल्लाह। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, बल्कि शायद मालूम भी हो पहले से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। सहाबा ने पूछा ये मुस्कुराहट कैसी, आपने फरमाया मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आकर उन्होंने कहा आपकी उम्मत जन्नत के पाव हिस्से में रहेगी, ये बहुत बड़ा हिस्सा है जन्नत का पाव हिस्सा, बाकी 1,24,000 जो अंबिया आए वो बकिया हिस्से में उनकी उम्मत होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए कि मेरी उम्मत के अक्सर लोग अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में जाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आकर उन्होंने कहा कि इससे भी ज़्यादा अल्लाह खुशखबरी सुना रहे हैं, 1/3 हिस्सा, 1/3 जिसे कहा जाता है, 1/3 हिस्से में आपकी उम्मत होगी जन्नत में, बकिया 2/3 में सारे अम्बिया और रसूलों की उम्मत होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुश, और ख़ुशी का मौका है, फरमाते हैं तीसरी मरतबा तशरीफ़ लाए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और आकर उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत को अल्लाह ताला ने आधी जन्नत इनायत फरमाई, निसफल जन्ना, जन्नत के आधे हिस्से में सिर्फ आपकी उम्मत होगी, बकिया आधे हिस्से में तमाम अंबिया और रसूलों की उम्मत होगी, इतनी बड़ी तादाद आपकी उम्मत की जन्नत में जाने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें बताइए क्या कोई एक फ़िरका जन्नत के आधे हिस्से को भर सकता है, अगर है तो बताइए ज़रा, सिर्फ अपने फ़िरके के बारे में दावा करते हमारा फ़िरका जन्नती है, तुम इतने नहीं हो मेरे भाई कि
जन्नत का आधा हिस्सा भरोगे, वो फिरका भी जन्नत में जाएगा, वो भी जाएगा, वो भी जाएगा, इंशाअल्लाह सब जाएंगे, तब जाके जन्नत का आधा हिस्सा भरेगा। ये तुम क्या जन्नत की चाबी लिए बैठे हो, जहन्नम की टिकट बांट रहे हो बैठ के, वो जहन्नमी, वो जहन्नमी, वो जहन्नमी, और जिब्राइल कह रहे हैं वो जन्नती, वो जन्नती, वो जन्नती। क्या तरीका है हमने, क्या बना रखा है ये? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों का, खुशियों पर क्या हम पानी नहीं फेर रहे हैं एक दूसरे को जहन्नमी कहकर? इतनी खुशी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे, इतनी बड़ी तादाद मेरी उम्मत की अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में जाएगी। और उम्मत का इस वक्त आलम यह है, मुट्ठी भर अपना फिरका है उसी को जन्नत में भेज रहे हैं, बाकी सारी उम्मत जहन्नम में, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। खुदा के लिए हम इससे बाज रहें, दिल में बढ़ जगह बनाएं, हमारा हर भाई जन्नत में जाए। नुक्ते नज़र का इख्तलाफ़ है, राय का इख्तलाफ़ है, ये हमेशा रहेगा। राय अलग अलग हो सकती है, घर में शोहर और बीवी की राय एक नहीं होती, माँ बाप और औलाद की राय एक नहीं होती, तो फिर घर के बाहर कैसे राय एक होगी किसी मजहबी मकाम पे? राय अलग अलग हो सकती है यकीनन, लेकिन उसके बावजूद सामने वाले का एहतराम और उसके जन्नती होने का यकीन, ये हमको सिखाया है सहाबा ने और गुलामान नबी ने। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो वज़ीर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन, इन दोनों वज़ीरों के मिजाज में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। कभी किसी मशवरे के मजलिस में ये दोनों का मशवरा एक नहीं हुआ, अलग अलग रहता था, और इतना अलग कि एक का ज़मीन तो एक का आसमान, इतना बड़ा फ़र्क। अगर दुनिया के किसी और रहनुमा के जमात में, उनके सहाबा की जमात में ऐसे दो लोग होते, न जाने कितनी जंगें हो जाती आपस में, इतना शदीद राय का इख्तलाफ होता था ये दो सहाबा के बीच में। लेकिन एहतराम, अल्लाह की पनाह, कोई सीखे इन गुलामान नबी से एक दूसरे का एहतराम, कि सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन को अपना उस्ताज मानते थे। और वो मौके पर सारे सहाबा ने देखा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन की वफ़ात के बाद पहली मरतबा जब मिंबर पे चढ़े सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन, तो वहाँ बैठ गए उस सीढ़ी पर जिस सीढ़ी पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन पैर रखते थे, तो पहली सफ़ में बैठे हुए सहाबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन ज़रा ऊपर चले जाइए, खलीफ़े रसूल ऊपर बैठते थे। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उमर का वही मकाम है जहाँ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैर है और उनके कदम हैं। एहतराम एक दूसरे का, लेकिन हमने यह सबक ही छोड़ दिया, इख्तलाफ़ राय के बावजूद एक दूसरे का एहतराम। नतीजा ये है, अल्लाह ने पहले ही कहा था कि अगर तुम आपस में लड़ोगे, इंतशार करोगे, वतज़हब रीहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम ख़त्म हो जाओगे इतने कसीर होने के बावजूद भी। नतीजा ये है कि इस वक्त चाहे आलमी सतह पे या मुल्की सतह पे मुसलमानों की जान हो, मुसलमानों के अमवाल हो या अमलाक हो, दुश्मन जब चाहता है, जहां चाहता है, दिन की रोशनी में इनको नुकसान पहुंचाता है, तह तह करता है, क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुत्तहिद है ही नहीं, ये मिलकर एक आवाज़ उठा ही नहीं सकते, इनको अपने मजहबी मकामात और मजहबी जलसों में आपस में लड़ने से फुर्सत ही नहीं है, अदालतों में इनके आपसी इख्तलाफात के इतने मुकदमे हैं, इतने मुकदमे हैं, इनको कभी उससे फुर्सत मिलेगी तब तो हमारे खिलाफ मुकदमा करेंगे वो, ये आपस में ही लड़ते रहेंगे, जितना नुकसान पहुंचाना है पहुंचाओ, और नुकसान पहुंचा रहा है दुश्मन जब चाहता है जहां चाहता है। क्यों हमको आपस में एक दूसरे का गरेबान छोड़ने का मौका मिले तब तो? इतना शदीद हम आपस में लड़ रहे हैं, इख्तलाफात कर रहे हैं, जबकि अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। फ़िरका बंदी है कहीं तो कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। लाखों खुदाओं वाले अपने एक धर्म के नाम पे आज मुत्तहिद नज़र आ रहे हैं, एक खुदा वाले ज़रा ज़रा सी बात पे अलग अलग मसलक बना के अलग अलग स्टेजों पे नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ फतवे देते नज़र आ रहे हैं। खुलासा यही है,
कि अगर हमने कसम खा रखी है कि हम एक दूसरे को कबूल नहीं करेंगे तो अल्लाह ना करे इसी तरह तैयार रहें जलील व ख़ार होने के लिए। और अगर हम चाहते हैं कि वक्त बदले, अल्लाह का फ़ैसला बदले, तो हम अपनी रविश बदलें। एक दूसरे की राय का एहतराम, एक दूसरे के नुक्ते नज़र का एहतराम, एक दूसरे के तमाम तर उनके जो भी इख्तलाफात हैं उन सबको कबूल और बर्दाश्त करने की सलाहियत, और फिर सबको एक नबी, एक अल्लाह और एक कुरान के नाम पे लेकर चलने का मिजाज, अगर ये हम नहीं बनाएंगे तो सिर्फ चीखने चिल्लाने वावेला मचाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। न अदालतें हमारी, न जज हमारे, न वकला हमारे, कोई नहीं है। हमारा अल्लाह है, अल्लाह के रसूल हैं, हमारा कुरान है। अगर इस प्लेटफॉर्म पे हम नहीं जमा हो सकते तो मत उम्मीद रखिए दुनिया की अदालतों से कोई हमारा काम आने वाला नहीं है। इसलिए एक बार नहीं, एक हज़ार बार एक उम्मत मुहम्मदिया का फ़र्द होने के नाते गौर करें, और सूरह शूरा में अल्लाह ने जो नसीहत फरमाई उस पर गौर करें कि दीन को मजबूती से पकड़े रहो, वला तफर्रकू तफर्रकाबाजी न करो। और जो तफर्रक़े की बातें कर रहा है उसको मंजर से हटाओ, सामने से हटाओ, क्योंकि ये आग जलाकर मुसलमान ही को नुकसान पहुँचाने की बातें कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही मानों में कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे के इख्तिलाफ और इंतिशार से बचने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।